हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री इडियट्स प्लस। मेरा नाम है हिमांशु और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा पहला वर्ड है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है जो व्यक्ति घूमता है इधर उधर, उसे हम हिचहाइकर कह सकते हैं, होबो कह सकते हैं, होमलेस, लोफर या आउटकास्ट। फ्रेंड्स ये सिनोनिम है इसलिए उसका एंटोनिम नहीं हो ओ सॉरी फ्रेंड्स वो नाउन है इसलिए उसका एंटोनिम नहीं होगा। फ्रेंड्स सेकंड वर्ड है कोसाइन। इसकी स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूज है, एक बार इसको जरा स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। सिनोनिम है एड्रेस, अपॉइंट, असाइन, ऑथोराइज, कमेंट टू या कमीशन। एंटोनिम हो जाएगा होल्ड, कीप, रिसीव या रिटेन। इसका मतलब नॉमिनी भी हो सकता है। जब किसी को बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो किसी को नॉमिनी बनाते हैं, यानी कि किसी को अपने सुपुर्द करते हैं कि मेरे बाद अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा होता है तो फिर मेरे बाद जो इस बैंक का पैसा होगा वो इन्हीं के पास जाएगा, यानी कि वो आपके नॉमिनी हो जाते हैं। थर्ड वर्ड है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायरेशन, एमोर या एडोर। ये गलत हो गया फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ADOR एडोर। एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज, सेंसर या कंडेम, जो कि तीनों वर्ड मैंने आपको इतनी बार बताया है कि आप सोच भी नहीं सकते। फोर्थ वर्ड है हमारा मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है रियली इंपॉर्टेंट थिंग, तो इंपॉर्टेंट, सीरियस, बिग या चिप्स आर डाउन, ये आपका फ्रेज है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। या कॉन्सिक्वेंशियल, एंटोनिम हो जाएगा इमटेरियल, इनसिग्निफिकेंट या ट्रिफलिंग, ट्राइवियल, ट्राइवियल मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, और अनइम्पॉर्टेंट। फिफ्थ वर्ड है हमारा क्विवर। क्विवर का मतलब होता है कांपना। क्विवर का मतलब ठंड से कांपना, यानी कि शिवर, शेक या वाइब्रेशन, दो तरह का कांपना होता है, एक ठंड से कांपना, एक डर से कांपना। डर से कांपने को हम ट्रेम्बल बोलते हैं, TREMBLE, ट्रेम्बल, और यहाँ पे है क्विवर। क्विवर का मतलब होता है शिवर या शेक। एंटोनिम हो जाएगा इसका क्वाइट या स्टलनेस। हमारा सिक्स वर्ड है ऑडलेशन। ऑडलेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्लॉज, प्लेंडिशमेंट, बूटलिकिंग। बूटलिकिंग बहुत अच्छा वर्ड है। बूटलिकिंग का मतलब सीधे सीधे किसी के तलवे चाटना, यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, या फिर टू बटर अप समवन, किसी को मक्खन लगाना, रिकमेंडेशन। एंटोनिम हो जाएगा डिनाउंसिएशन, इंसल्ट या लिबल या स्लेंडर। स्लेंडर मैंने आपको बहुत बार बता दिया, डिनाउंसिएशन मतलब ये डिनाउंसमेंट से बना है, डिनाउंसमेंट मतलब क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज समथिंग या किसी की कमेंट करना। तो देख लीजिएगा, इसी आपकी वीडियो में ही आपको एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनिम या कई सारे एंटोनिम्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं जितने भी वर्ड्स वोकैब दे रहा हूँ ये सारे कहीं ना कहीं SSC में कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछे गए, तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। सिनोनिम हो जाएगा इंडिफेचिएबल, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस या ऑक्यूपाइड। एंटोनिम हो जाएगा इनएक्टिव, इंडिफरेंट, लैंग्वेड, लेजी, लेथार्जिक या नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजेंट सॉरी इनएक्टिव, मैंने आपको लैंग्वेड और लेथार्जिक बहुत बार बताया, लैंग्वेड का मतलब भी लेजी, लेथार्जिक का मतलब भी लेजी। आठवां वर्ड है ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है दुख या नीरस, एब्रप्ट, बेरिश, ब्लंट, बॉयस्ट्रस या बुरिश। बॉयस्ट्रस बहुत बार बताया हुआ और बहुत अच्छा वर्ड है। मैं इसमें फ्रेंड्स कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके फ्रिक्वेंटली रिपीट होंगे एग्जामिनेशन में और बहुत सारे समय से पहले से होते रहे हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इवन टेम्पर्ड, हैप्पी, नाइस या पोलाइट, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। इररेवरेंस, ये देखिएगा बहुत अच्छा है, इररेलेवेंट नहीं, इररेवरेंस है। इररेवरेंस का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या मॉकरी करना, इंसल्ट, मॉकरी, प्रोफेनिटी या रेडिक्यूल। ये देखिएगा, एक वर्ड होता है रेटिक्यूल और एक वर्ड होता है रेडिक्यूल। रेटिक्यूल का मतलब होता है लेडीज पर्स, जो लेडीज पर्स कैरी करती है उसे बोलते हैं रेटिक्यूल, लेकिन ये रेडिक्यूल। तो दोनों में वोकैब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है बट स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप मिस्टेक मत कीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। एंटोनिम हो जाएगा रिगार्ड, रिस्पेक्ट या रिवरेंस। टेंथ वर्ड है प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का मतलब होता है खुश करना या शांत कर देना, अपीज करना, पैसीफाई करना, मोलीफाई करना, पैलाकेट, सेटिस्फाई। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, इनमें दो या तीन, मोलीफाई या पैसीफाई। आप किसी अच्छी, कोई अच्छी कमेंट्री देखेंगे या फिर किसी अच्छे व्यक्ति को बोलते हुए देखेंगे तो उस पर पैसीफाई या मोलीफाई का आपका यूज़ हो जाएगा। ये बहुत कॉमन यूज़ है बट हम लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते फ्रिक्वेंटली, ये अच्छे एडवांस इंग्लिश में बहुत बार यूज़ होते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम हो जाएगा इसका एक्साइट, किंडल या इग्नाइट। सबका मतलब होता है उत्तेजित कर देना। तो फ्रेंड्स ये सारे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आपके कहीं ना कहीं SSC में पूछे गए हैं, तो जितना मुझसे कलेक्ट हो सक रहा है मैं आपको करके दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम उस गलती को दूर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय। थैंक यू।